hello and welcome to spmis academy today we'll analyze important newspaper articles of 28th april 2023 please note you can download the pdf version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section this is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper and the first article is about insurgency in northeast and this topic is important from our syllabus gs paper 3 internal security point of view so they here करंट न्यूज़ देखते हैं सबसे पहले एक इंसर्जेंट ग्रुप जिसका नाम है डीमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी डी एन एल ए इट हैज़ साइंड अ ट्राई पार्टी एट अग्रीमेंट विथ असाम गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट टू गिव अ बॉयलेंस एंड ज्वाइन द मिनिस्ट्री मतलब इसने पीस प्रोसेस को ज्वाइन कर लिया है डी एन एल ए ने अगर डी एन एल ए की बात की जाए तो ये रिलेटिवली एक नया इंसर्जेंट ग्रुप है और इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी एंड इट बेसिकली ऑपरेटेड फ्रॉम डीमा हसाव एन कारबी आंगलोंग जब इसको बनाया गया था तब इस ग्रुप के तरफ से जो आ, इसका जो पर्पस था वो रिलीज़ किया गया था दैट दिस ग्रुप इज़ कमिटेड टू रिवैंप द नेशनल स्ट्रगल एंड फाइट फॉर लिबरेशन ऑफ सोवरेन इंडिपेंडेंट डिमासा नेशन तो सक्सेसनिस्ट टेंडेंसीज थी इंसर्जेंसी मतलब आप समझते ही हैं व्हेन सम ग्रुप रिजॉर्ट टू वॉयलेंस फॉर द पर्पस ऑफ सम पॉलिटिकल डिमांड तो उसको इंसर्जेंसी कहते हैं तो इंसर्जेंसी थी डी एन एल ए की तरफ से एंड दैट टू द डिमांड वाज टू हैव अ सेपरेट कंट्री 2021 में इस डी एन एल ए ग्रुप ने में एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन कर दिया था भारत सरकार के साथ और अब सीज फायर अग्रीमेंट कैसा होता है ट्रांजिशन फेज होता है कि ठीक है अभी हम वायलेंस नहीं करेंगे तो 2021 में इन्होंने सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया था और अब इन्होंने फाइनली एक कंप्लीट एग्रीमेंट ट्राई पार्टेड पीस एग्रीमेंट साइन कर दिया है भारत सरकार और आसाम सरकार के साथ और इसके साथ ही ये इंसर्जेंसी डी एन एल ए पूरी तरह से ख़त्म हो गई है दे हैव ज्वाइन द पीस प्रोसेस इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे सी एम हेमंता बिस्व शर्मा साहब ने कहा कि आसाम गवर्नमेंट इज़ नाउ होप फुल ऑफ कंक्लूडिंग पीस अकॉर्ड विद द प्रोटॉक फैक्शन ऑफ अल्फ़ा एज वेल तो एक अल्फ़ा को छोड़ करके बाकी सब ने लगभग आसाम के जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स थे लगभग सब ने पीस प्रोसेस को ज्वाइन कर लिया है अल्फा के अंदर भी देर आर फ्यू ग्रुप्स और फ्यू मेम्बर्स हु आर विलिंग टू हैव नेगोसिएसन तो उनके साथ एक पीस एग्रीमेंट इस मई महीने के अंत तक हो सकता है ऐसा हिंट्स दिया है हमारे सीएम हिमंता हेमंत शर्मा साहब ने तो अगर अल्फा ग्रुप के मेजर मेंबर्स के साथ अगर पीस अग्रीमेंट साइन हो जाती है तो आप मान सकते हैं कि आसाम के अंदर इंसर्जेंसी लगभग लगभग खत्म हो गई अभी इस टॉपिक को जरा करते हैं इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट तो फैक्टर्स बिहाइंड इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट क्या क्या कारण हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी के सबसे पहला कारण है एथनिक डाइवर्सिटी या एथनिक आइडेंटिटी फ्यूल रीजनलिज्म बहुत रिच एथनिक डाइवर्सिटी है इस रीजन में अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं और सबको एक तरीके का ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक फियर है ज़्यादातर ग्रुप्स को खासकर माइनर ग्रुप्स को कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनकी कल्चरल आइडेंटिटी कहीं खो ना जाए एंड फॉर दैट पर्पज ओनली मोस्ट ऑफ देम हैव रिजॉर्टेड टू वॉयलेंस ज्योग्राफिकल फैक्टर भी एक रीजन है आपको पता है ये सिलीगुरी कॉरिडोर जिसको कभी कभार चिकन नेक भी कहा जाता है हार्डली इट इज ट्वेंटी किलोमीटर वाइड और इसके कारण जो है ना कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है मेन लैंड इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से और कनेक्टिविटी पुअर होने के कारण क्योंकि जो रेलवे लाइन गुजरना है जो रोडवे गुजरना है यहीं से गुजरना है अलग अलग जगहों से कनेक्टिविटी होती है तब जा करके किसी भी जगह का रीजनल डेवलपमेंट हो पाता है तो पुअर कनेक्टिविटी होने के कारण रीजनल डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ नहीं और उस कारण से इकनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नहीं और इकनॉमिक डेवलपमेंट ना होने के कारण जो यूथ है उसके अंदर एक सेंस ऑफ एलियनेशन है फ्रस्ट्रेशन है एंड दैट इज़ मेकिंग द यूथ एन ईजी रिक्रूट और इजी टारगेट फॉर रिक्रूटमेंट बाय दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट काफ़ी अच्छा कुछ कुछ पॉइंट्स uh, देता है इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट को लेकर के तीन पॉइंट सीधा सीधा रट लेंगे सेकेंड एआरसी आर रिपोर्ट से कि इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट्स ए स्टेट ऑफ स्टेबल एन एक परमानेंट एन जैसी सिचुएसन बनी रहती है रूल ऑफ लॉ एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस आर सबवर्टेड एंड अरेंजमेंट

तो इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट पे कभी भी कोई सवाल आएगा तो इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में काम आ सकता है अप्रोप्रिएटली सेकेंड आर सी ऐसा कह सकते हैं नाउ कमिंग बैक टू दिस फैक्टर्स बिहाइंड इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट जोग्राफिकल फैक्टर एथनिक फैक्टर एंड देन देर आर सम इंटरनेशनल फैक्टर्स ऑल्सो यू सी चाइना चाइना को पता है कि ये एरिया इंडिया का रिलेटिवली वीकर एरिया है उतना वेल कनेक्टेड नहीं है एज़ फार एज इकोनॉमी या पॉलिटिक्स कंसर्न तो चाइना फिर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और इस एरिया में इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश करता है कल भी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल इंडिया के अंदर भी जो इंसर्जेंसी है उसमें कहीं ना कहीं चाइना का रोल है जो लोग गरीबी के लिए लड़ रहे हैं कि हम गरीब हैं और हमें दबाया जा रहा है उन लोगों के पास पाँच पाँच लाख के हथियार ए के फोर्टी सेवन कहाँ से आ रहे हैं ऑफकोर्स इट इज़ चाइना फैक्टर म्यांमार का क्या इशू है कि जो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार का दैट इज़ क्वाइट पोरस एंड रग्ड एंड दैट अलाउज़ मैनी इंसर्जेंट ग्रुप्स टू सीक रेफ्यूज और सेंचुरी इन द बॉर्डर रीजन ऑफ म्यांमार और वहाँ से फिर वो ऑपरेट करते हैं जैसे कि एन एस सी खापलांग हो गया या इवन अल्फा ग्रुप्स बाकी अगर बात की जाए नेपाल या बांग्लादेश की तो यहाँ पे भी इन जनरल यहाँ की सरकारें तो इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं मौजूदा सरकारें तो इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए लेकिन वहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि बांग्लादेश में बात की जाए बीएनपी की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की दैट यूज एंटी इंडिया रेटोरिक और जब वो पावर में आती है तो फिर इंसर्जेंट ग्रुप्स को वो बांग्लादेश में भी सेल्टर देते हैं टू कंडक्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंडिया रीजनल इशूज़ भी हैं कई सारे लोकल इशूज़ हैं जैसे कि इंटर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट ट्राइबल्स के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट होता है बाहर से जो माइग्रेंट आते हैं इलीगल माइग्रेंट्स खासकर जैसे कि बहुत सारे बांग्लादेश से या म्यांमार से हैं दे आर रीजन बिहाइंड कन्फ्लिक्ट एंड प्रोटेस्ट सेटलमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट इज़ ऑल्सो रीजन स्टिगमेटाइजेशन एंड टारगेटिंग ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जब स्टिगमेटाइज किया जाता है या टारगेट किया जाता है दूसरे क्षेत्रों में इंडिया के तो नेचुरल सी बात है कि एक रीजनलिज्म या सन ऑफ द सॉइल वाली फीलिंग तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अंदर आएगी ही एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं 2014 में अरुणाचल प्रदेश के एक स्टूडेंट नीदो तानियम वॉज मॉकड फॉर हिज हेयर स्टाइल दैट तो अल्टीमेटली लीड टू तो एन अल्टरकेशन वॉज स्ल्ड तो अगर स्टेट वाइज इंसर्जेंसी की बात कर लेते थोड़ी सी क्योंकि हो सकता है स्टेट वाइज भी आपसे पूछ ले स्टेट वाइज में भी नागालैंड का खासकर वो पूछ सकता है क्योंकि ये न्यूज में है नागालैंड के अलावा मणिपुर का भी आ सकता है वो न्यूज में था देखेंगे क्यों न्यूज में था तो नागालैंड अगर इंसर्जेंसी की बात की जाए तो नागालैंड स्टार्टिंग से ही जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ वहां के जो कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे दे नेवर वॉन्टेड नागालैंड टू बी पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड देन अ ग्रुप वॉज क्रिएटेड एन एन सी नागा नेशनल काउंसिल एंड दे डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया और इनफैक्ट इसी एन एन सी इंसर्जेंसी को सप्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट का इस्तेमाल किया गया था नाइनटीन फिफ्टी एट में आपको पता होगा क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ब्रिटिशर्स ने पहली बार आ, इसका आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट का इस्तेमाल किया था टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट आजाद भारत में इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज अगेंस्ट नागा इंसर्जेंसी नाइनटीन काफ़ी टाइम तक ये नागा इंसर्जेंसी चलती रही अंडर एन एन सी अल्टीमेटली अकॉर्ड वॉज साइंड से लॉन्ग अकॉर्ड इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव थ्रू विच एन एन सी ज्वाइंड द पीस प्रोसेस लेकिन एन एन सी के अंदर ही कुछ ग्रुप्स या कुछ मेम्बर्स थे एन एन सी के ओवरऑल अंदर कुछ फैक्शन थे हुए आर नॉट हैप्पी विद सेलॉन्ग अकॉर्ड दे डिड नॉट वॉन्टेड टू जॉइन द पीस प्रोसेस और फिर एक नया ग्रुप बन गया एन ए एन एस सी एन इसाक मवैया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम इसाक मवैया इसाक मवैया नाम आया है आई एम फ्रॉम दिस टू पीपल इसाक एंड मवैया एक दूसरा गैंग भी बन गया दूसरा ग्रुप भी बन गया जिसका नाम था एन एस सी एन खापलांग शॉर्ट में कहते हैं एन एस सी एन के ये जो एन एस सी एन इसाक मवैया है दे इंटर इंटू अ सीज़ फायर अग्रीमेंट विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एन एस सी एन आई एम के साथ अभी बातचीत चल रही है सीज फायर अग्रीमेंट हमने साइन कर दिया है भारत सरकार के ने इनके साथ और एक बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट भी फाइनलाइज हो गया था दो हज़ार पंद्रह में जिसके बेसिस पर ये लोग पीस प्रोसेस को ज्वाइन करेंगे और वायलेंस को पूरी तरह से छोड़ देंगे लेकिन वो बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में फाइनली कुछ डिस्प्यूट्स हो गए क्योंकि उस बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में एक टर्म लिखा था सेयर्ड सोवरनिटी तो 2015 में बेसिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में टर्म लिखा था सेयड सोवरेनिटी जिसका मतलब ये एन एस के लोग निकाल रहे हैं कि सेयड सोवरेनिटी का मतलब है एन एस सी एन विल हैव परमिशन टू हैव सेपरेट फ्लैग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जबकि भारत सरकार कह रही है कि जब हमने कश्मीर में ये सब खत्म कर दिया तो हाउ कैन वी अलाउ इट फॉर न्यू ग्रुप सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इंडियन गवर्नमेंट इज सेंग कि एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग सेयड सोवरेनिटी जो हमने लिखा है बेसिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में दैट सिंपली मीन्स सम बेसिक राइट्स टू द पीपल ऑफ नागालैंड टू कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर तो ये बात है जिस कारण से ये एन एस सी एन आई एम के साथ अभी भी फाइनल पीस प्रोसेस साइन नहीं हो पाया है और पूरी तरह से ये अभी तक मेन स्ट्रीम को इन्होंने ज्वाइन नहीं किया जबकि एन एस सी एन खापला की बात की जाए तो इट कंटिन्यूज टू पार्टिसिपेट इन इंसर्जेंसी एंड वायलेंस बात की जाए अगर मिजोरम की तो मिजोरम लार्जली पीसफुल स्टेट ही था स्टार्टिंग से इट वॉज पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ आसाम बिफोर इट वॉज ग्रांटेड स्टेट हुड इन नाइनटीन एट्टी सेवन मिजोरम के अंदर मिलिटेंसी के पीछे मुख्य कारण है एक नाइनटीन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन में आया वहाँ पे फमिन मौतम फामइन मौतम फैमाइन में कैसा था कि यहाँ के जो बैम्बू ट्रीज़ थे उनके फ्लावर्स एक्सेसिव फ्लावर्स होने लगे बैम्बू ट्री का अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ 1958 में उनके एक्सेसिव फ्लावर्स हुए बैम्बू ट्री के उनको खाने के लिए बहुत सारे रैट्स भी और प्रॉस्पर हो गए सो एक्सेसिव ब्रीडिंग ऑफ रैट्स हैपेंड इन 1958 बिकॉज ऑफ दिज बैम्बूज और एक्सेसिव रैट्स के कारण फिर वहाँ पर प्लेग फैल गया उस प्लेग के कारण कई सारे लोगों की मौत हो गई जिसको कहा गया मोतम फेमाइन और उस केस में भारत सरकार ने कुछ खास किया नहीं बहुत सारा हेल्प पहुँच नहीं पाया मिज़ोरम में अगेंस्ट दिस मौतम फॉर टू हेल्प द पीपल ऑफ मिजोरम इसी कारण से वहाँ के लोग जो हैं दे गॉट एजिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड फ्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फिर शुरू हुआ एक मूवमेंट सेक्सेसनिस्ट मूवमेंट या इंसर्जेंट मूवमेंट जिसको लीड किया मीजो नेशनल फ्रंट ने इस पार्टी का नाम है मीजो नेशनल फ्रंट और उसके लीडर थे लाल डेंगा और यह इंसर्जेंसी शुरू हुई मीजो नेशनल फ्रंट ने काफ़ी टाइम तक यहाँ पर वॉयलेंस कंटिन्यू किया बाद में जाकर के नाइनटीन में मिजो नेशनल फ्रंट ने पीस प्रोसेस को ज्वाइन किया लाल डेंगा ने अपनी ये पार्टी ये जो पहले मीज़ो नेशनल फ्रंट इंसर्जेंट ग्रुप थी इसको पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया मीज़ो नेशनल फ्रंट ने सरकार भी बनाई लाल डेंगा चीफ मिनिस्टर बने पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ द फेडरेटेड स्टेट क्योंकि स्टेट का दर्जा मिला है नाइनटीन में और उसके पहले चीफ मिनिस्टर बने लाल डेंगा सो आप मान सकते हैं कि मिज़ोरम इज़ अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल जहाँ पर पीस प्रोसेस साइन करने के बाद पूरी तरीके से पीस रिटर्न हुआ है बात की जाए अगर मणिपुर की तो मणिपुर की अगर आप टोपोग्राफी देखो तो चारों तरफ से हिल्स हैं और बीच में थोड़ा प्लेन एरिया है हिल्स पे दो ट्राइब के लोग रहते हैं कूकीज एंड नागास जबकि प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं वो हैं मीतीस मीतीस आर बेसिकली नॉन ट्राइबल वेस्ट वेस्टनवाइट्स हिंदूज दे लिव इन द वैली रीजन जबकि हिली एरिया में रहते हैं नागास एंड कुकी ट्राइब्स मणिपुर में इंसर्जेंसी के पीछे मुख्य कारण है इन नागास और कुकीज के बीच में कंफ्लिक्ट कुकीज और नागाज आपस में ही कंफ्लिक्ट करते रहते हैं और इस कारण से काफी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस होते हैं तो इसको सप्रेस करने के लिए फिर यहां पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया लेकिन 2005 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ इन कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ उस एग्रीमेंट का नाम है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट एस ओ ओ ये 2005 से ही सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके बाद से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत इन कुकी ग्रुप्स के अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस कोई एक्टिव ऑपरेशन लॉन्च नहीं करेगी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट ये न्यूज़ में इसलिए था इम्पोर्टेंट इसलिए है इस साल क्योंकि वहाँ के कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स इस साल वापस से इस तरह के इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ को प्रॉस्पर करने की कोशिश कर रहे थे जिस कारण से मणिपुर की सरकार ने फैसला लिया कि इन इंसर्जेंट ग्रुप्स कुकीज़ के खिलाफ जिनसे साथ 2005 से ही सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट चल रहा है उसको विड्रॉ कर लिया जाए तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट वॉज विड्रॉन अगेंस्ट दीज कुकीज़ रिसेंटली एंड दैट इज़ वेवरि न्यूज़ और मुझे लगता है इसी कारण से मणिपुर की इंसर्जेंसी पर अलग से सवाल आ सकता है याद रखिएगा नागाज कुकीज मीतीस नागाज कुकीज़ आपस में लड़ते हैं इसी कारण से इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के खिलाफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया 2005 से सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट था लेकिन हाल फिलहाल में उसको विड्रॉ किया गया है त्रिपुरा की बात की जाए तो ब्रिटिश एरा में बांग्लादेश साइड से कई सारे लोगों को ले जाकर के त्रिपुरा में सेटल कराया गया था जिनके खिलाफ कई सारा प्रोटेस्ट चलता रहता है थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी भी होती है लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है इंसर्जेंसी का त्रिपुरा में नॉट मेजर प्रॉब्लम सेम इज़ विथ मेघालय थोड़े बहुत लोगों का फ्रस्ट्रेशन है अप्रीहेंशन है अगेंस्ट द पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू सेटल द एंड दैट इज हाउ सम इंसर्जेंट ग्रुप्स लाइक गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी हनेथ्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल ये सब बने हैं बट नॉट मच प्रॉब्लम ऑफ इंसर्जेंसी इन मेघालिया अरुणाचल प्रदेश अगेन सम इंसर्जेंसी अगेंस्ट सेटलर्स कमिंग फ्राम आउटसाइड सम इंसर्जेंट ग्रुप्स लाइक अरुणाचल ड्रैगन फोर्स लेटर ऑन रीनेमड अज ईस्ट इंडिया लिबरेशन फ्रंट नॉट मेजर सीरियस इशू आसाम इंसर्जेंसी को थोड़ा तो तो डिटेल में देख लेते हैं आसाम इंसर्जेंसी को अगर हम देखें तो इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके देखना होगा बोडो इंसर्जेंसी एंड अल्फा इंसर्जेंसी तो बोडो इंसर्जेंसी की अगर बात की जाए तो उसकी शुरुआत आप देख सकते हैं 1929 से जब गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा साहब इनसे रिलेटेड पिछले साल एपीएससी मेन्स में जीएस पेपर फाइव में सवाल आया था ए बोडो लीडर ही सबमिटेड अ रिक्वेस्ट टू साइमन कमीशन फॉर सेपरेट पोलिटिकल आइडेंटिटी टू बोडो ट्राइव स्टार्टिंग से ही एक डिमांड रही है बोडो ट्राइब की कि हमें एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए हमें आसाम के साथ नहीं रहना है स्टार्टिंग में तो यही डिमांड था तो इनफैक्ट जब साइमन कमीशन इंडिया में आए थे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग तो उसी टाइम एक लेटर सबमिट किया गया था बाई uh, कालीचरण ब्रह्मा साहब एंड हिज सपोर्टर्स कि वी नीड टू हैव ए सेपरेट पोलिटिकल आइडेंटिटी उस पर कुछ खास एक्शन uh, लिया नहीं गया 1970 में देर वॉज ए डिमांड टू हैव ए सेपरेट स्टेट नेम्ड उंदियान्चल ऐसा कुछ 1980s में एक प्रपोजल आया कि लेटेस्ट डिवाइड आसाम 50 50 एंड दीज ईस्टर्न इस साइड ऑफ आसाम शुड बी गिवन टू बोडोज फॉर अ सेपरेट स्टेट लेकिन ये हुआ नहीं ये जो 1980s में 50 50 पार्टीशन वाला डिमांड आया था इसको फुलफिल करने के लिए दो अप्रोच थे पीसफुल अप्रोच भी थे कुछ लोगों के उसके लीडर थे उपेंद्र नाथ ब्रह्मा इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट हैं बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा याद रखिएगा बोडोफा इनका तरीका था पीसफुल अप्रोच ही ऑल्सो डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट पीसफुल अप्रोच बट देन देर वर सम सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स लाइक बी एल टी एफ एंड एन डी एफ बी दे वेर क्रिएटेड हु रिजोर्टेड टू इंसर्जेंसी फॉर हैविंग सेपरेट स्टेट इंसर्जेंसी के कारण सेपरेट स्टेट तो इनको नहीं मिला लेकिन दो हज़ार तीन में बी एल टी एफ ने बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फ्रंट ने पीस एग्रीमेंट साइन किया और उस पीस एग्रीमेंट में इनको अलाउ किया गया कि ठीक है इस एरिया को हम लोग शेड्यूल सिक्स के अंतर्गत एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाएंगे एक शेड्यूल एरिया दे, के डिक्लेयर करेंगे उनको हम लोग टेरिटोरियल काउंसिल बनाएंगे और रीजनल ऑटोनॉमी कुछ हद तक सेपरेट स्टेट तो नहीं लेकिन शेड्यूल सिक्स के अंतर्गत रीजनल ऑटोनॉमी देंगे 2005 में फिर एन डी एफ बी ऑल्सो सरेंडर्ड लेकिन एन डी एफ बी का एक ग्रुप एन डी एफ बी एस सॉन्ग भी जीत फैक्शन रिमेंड आउटसाइड द पीस प्रोसेस और यही एन डी एफ बी एस फैक्शन डिसाइडेड टू ज्वाइन द पीस प्रोसेस इन ट्वेंटी ट्वेंटी दो हज़ार बीस में जो बोडो पीस अग्रीमेंट साइन हुआ था वो साइन हुआ था एन डी एफ बी एस के साथ तो बी टी एफ ने दो हज़ार तीन में एन डी एफ बी ने 2005 में और बाकी एन डी एस फैक्शन ने 2020 में पीस प्रोसेस साइन कर दिया जिसके साथ बोडो इंसर्जेंसी पूरी तरह से खत्म होगी एन डी एफ बी सौभिजीत फैक्सन ने पीस प्रोसेस साइन किया था 2020 के 26 जनवरी को और उस पीस अकॉर्ड में जो बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था 2020 में उसमें बात की गई थी कि बी टी ए डी विल बी री स्ट्रक्चर्ड इन टू बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बी टी आर ऐसा इसलिए क्योंकि सम बोडो एरियाज वे लेफ्ट आउट उनको भी ऐड करना था और इसके साथ ही बी टी ए डी वॉज री स्ट्रक्चर इंटू बी टी आर बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल के थोड़े से पावर्स बढ़ा दिए गए थे एज पर दिस न्यू प्रोमिस अंडर बोडो पीस अकॉर्ड ऑफ 2020 उसके अलावा बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के सीट बढ़ा करके 40 से 60 कर दिए जाएंगे एस टी स्टेटस दिया जाएगा हिल बोडोज को एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल बी क्रिएटेड इन द बरामा डिस्ट्रिक्ट प्लस फिफ्टीन हंड्रेड करोड़ का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट फॉर बोडो रीजन ये सारे प्रपोजल्स दिए गए वेन एन डी एफ बी एस डिसाइडेड टू ज्वाइन द पीस प्रोसेस लेकिन अभी तक इसमें से कई सारे प्रपोजल को फाइनल इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है अगर आसाम के अंदर सेकेंड इंसर्जेंट ग्रुप की बात की जाए तो वो है अल्फ़ा अल्फा की इंसर्जेंसी को हम लोग देख सकते हैं ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम 1979 सेवेंटी नाइन वेन अ मूवमेंट आसाम अकॉर्ड स्टार्टेड अगेंस्ट आउटसाइड इलीगल इमिग्रेंट्स तो उसी टाइम में अल्फा की भी शुरुआत हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल्फा बिकेम मच मोर अग्रेसिव एंड दे स्टार्टेड टू डिमांड सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री इनके लीडर परेश बरुआ जी हैं राइट right, तो उनके साथ भी नेगोशिएशन चल रहा है काफ़ी टाइम से एंड मोस्ट प्रोबली हो सकता है अभी देखा ही हमने कि सीएम साहब ने बोला है कि वी आर होपफुल कि अल्फा के साथ भी कुछ पीस अग्रीमेंट हो सकता है अभी जिस तरह का इनका डिमांड है सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री वो तो संभव है नहीं क्योंकि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज सेक्रोसेंट लेकिन हाँ ठीक है कुछ इनसे बातचीत हो करके कुछ ऑटोनॉमी या कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिससे ये लोग पीस प्रोसेस को ज्वाइन कर लें जिसके साथ ही पूरी तरह से इंसर्जेंसी को नॉर्थ आसाम से कम से कम खत्म कर दिया जाए तो अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में बात करें मेजर इंसर्जेंट ग्रुप का तो अब दो ही बचा एक है अल्फा और दूसरा है एन एस सी एन खापलांग नागालैंड वाला एन एस सी एन के और आसाम वाला अल्फा लेकिन अल्फा भी अब उतना पावरफुल नहीं रहा है जितना पहले था क्योंकि अल्फा यूज टू गेट अ सपोर्ट फ्रॉम एन एस सी एन इसाक मवैया लेकिन इसाक़ मवैया तो खुद ही पीस डील साइन कर चुका है प्लस अल्फा यूज़ टू एंड इंसर्जेंट मेम्बर्स ऑफ अल्फा यूज टू ऑपरेट फ्राम दिस बॉर्डर रीजन ऑफ म्यंमार एंड इंडिया लेकिन म्यंमार सरकार को भारत सरकार ने काफ़ी हद तक कन्विंस कर दिया जिस कारण से म्यांमार सरकार अब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है एंड इट डज नॉट अलाउ द अल्फा मेम्बर्स टू ऑपरेट फ्राम द बॉर्डर रीजन दो हज़ार पंद्रह में एक काफ़ी काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशन लॉन्च किया था म्यांमार सरकार ने भारत सरकार के कहने पर अगेंस्ट दिस अल्फा ग्रुप वो मूवी जो विकी कौशल वाली है उसमें दिखाया भी है वो तो वहीं से वो मूवी शुरू हुई है तो 2015 में म्यांमार सरकार ने भारत सरकार के कहने पे ये अल्फा के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक्शन्स भी लिए मुद्दा ये है कि भारत सरकार हर तरीके से अल्फा को कमज़ोर करने में लगी है एन एस का सपोर्ट नहीं रहा अब यहाँ हाइड आउट नहीं कर सकते क्योंकि म्यांमार के साथ हमने बेहतर कोऑर्डिनेशन बना लिए हैं और उसके अलावा अल्फा का जो लोकल इमोशनल सपोर्ट था आसाम के अंदर वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि अल्फा हैज़ बिन इंगेजिंग इन टू एक्टिविटीज़ लाइक एबडक्शन एंड एक्सटॉर्सन जिस कारण से जो उनका इमेज था वो थोड़ा टर्निस हुआ है फॉर एग्जाम्पल दो हज़ार इक्कीस में तीन ओ एन जैसी इंप्लॉई को उन्होंने एबडक्ट किया एक्सटॉर्सन और एबडक्शन के केसेस के कारण केसे थोड़ा सा इमेज टर्निस हुआ है होपफुली पीस डील साइन हो जाएगी एंड इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट स्पेशली इन आसाम विल कम टू एंड कम्प्लीटली स्टेप्स टेकन बाई गवर्नमेंट टू कर्ब इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट कल के तरह ही जैसे सेंट्रल इंडिया में इंसर्जेंसी के लिए स्टेप्स देखे थे वैसे ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इंसर्जेंसी को कर्ब करने के दो तरीके हैं बेसिकली सिक्योरिटी मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स सिक्योरिटी मेजर्स में मिलिट्री ऑपरेशन अंडर आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने इनिशेटिव्स लिए जैसे आसाम ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइनो ऑपरेशन बजरंग अगेंस्ट अल्फा ऑपरेशन ऑल क्लियर लॉन्च किया था इंडियन और भूटान आर्मी ने मिल कर के अगेंस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स इन 2003 थाउजेंड थ्री एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड डेवलपमेंटल मेजर्स एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है डोनर फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स स्कीम लाइक पी एम डिवाइन हैज़ बिन ब्रॉड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लाइक पर्वत माला हैज़ बिन ब्रॉड फॉर कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स इनर लाइन परविट फॉर मिज़ोरम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर ये सब इनर लाइन परमिट दे करके जो एक एप्रीहेंसन है कि कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी उसको अड्रेस करने की कोशिश की गई है आर्टिकल 242 फोर्टी टू सब क्लॉस टू इज़ देयर अंडर विच सिक्स शेड्यूल कैन बी यूज फॉर गिविंग मोर एंड मोर रीजनल ऑटोनोमी टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं अलग अलग जगह से तो सिर्फ और सिर्फ जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर डिपेंडेंट ना रह करके अलग अलग कनेक्टिविटी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आई एम हाईवे और जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन या स्टिगमेटाइजेशन होता है उसको एड्रेस करने के लिए बेज बरुआ एम पी बरुआ कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के रिकमेंडेशनस पे इंप्लीमेंटेशन भी चल रहा है दिस कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए एग्जाम परस्पेक्टिव इसके रिकमेंडेशनस आपको पढ़ने ही होंगे मैं किसी और दिन करा दूंगा इस टॉपिक के विशेष पे सवाल दिया हमने एक्सप्लेन द रीजन्स बिहाइंड जेनेसिस ऑफ नॉर्थ एक्सप्लेन द रीजन्स बिहाइंड जेनेसिस ऑफ एक्चुअली ये सवाल मेरे पूरा टाइप करना गलती हुई मुझसे जेनेसिस ऑफ इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द मेनेस ऑफ इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे इंसर्जेंसी वर्ड मुझसे छूटा है मैं उसको ऐड कर दूंगा सिंपल सा आंसर लिखा है मैंने ये आंसर एक में लिख करके इसलिए देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि प्रेजेंट कैसे करना होता है आपको अपना आंसर एक आधा लाइन का इंट्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट रीजन इज ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया बट राइट सिंस इंडिपेंडेंस द रीजन इज मार्ड विथ इंसर्जेंसी। फिर आपने धीरे से हेडिंग दे दिया रीजन फॉर जेनेसिस ऑफ इंसर्जेंसी और सारे स्टेट्स में थोड़ा बहुत जो क्या प्रॉब्लम है आसाम के अंदर अल्फा या बोडो इंसर्जेंसी नागालैंड के अंदर जो असक्सेसन टेंडेंसी है एन 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 सी के अंदर से एन एस सी एन आई एम जिसके साथ सीज़ फायर हो चुका है खापलांग अभी भी एक्टिव है इस तरीके से करके सारे स्टेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए देखिए आपको आसाम का मैप नॉर्थ ईस्ट का मैप इंडिया का मैप और मोटा मोटा वर्ल्ड का मैप का प्रैक्टिस होना चाहिए फिर आपने कोर फैक्टर्स लिखे वही फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं ऐथनीसिटी पुअर जोग्राफिकल कनेक्ट इंटरनेशनल फैक्टर्स सेटलमेंट ऑफ इमिग्रेंट स्टिटाइजेशन वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट फिर कल जैसे हमने सेंट्रल इंडिया की इंसर्जेंसी के लिए विशेष साइकिल बनाया था कि पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ लेस एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी पुअर लेवल ऑफ डेवलपमेंट सेंस ऑफ एलिनेशन इन यूथ पोटेंशियल रिक्रूट दीज यूथ व्हेन दे हैव एलिनेशन दे विल बिकम पोटेंशियल रिक्रूट फॉर इंसर्जेंट दैट इज लीडिंग टू इंसर्जेंसी दैट लीडिंग टू पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये विशेष साइकिल इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट के लिए बना सकते हैं एंड देन स्टेप्स टेकन टू कब इंसर्जेंसी तो सिक्योरिटी अप्रोच में वही सारी चीज़ें आसफा लिख दिया ऑपरेशन ऑल क्लियर स्टेट लेवल ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन राइनो एंड बजरंगी नाम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो हमने डिस्कस किए वो लिख सकते हैं और कंक्लूजन में कुछ ऐसा लिखेंगे कि अगर हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को टैकल करने में हम कामयाब रहे तो दैट विल बिकम हेल्पफुल इन सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड दैट विल अनलॉक इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द रीजन एंड दैट विल अल्टीमेटली बी हेल्पफुल इन अटेनिंग द फाइव ट्रिलियन डॉलर टारगेट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो नेक्स्ट आर्ट कल्स अब इको सेंसिटिव जोन दिस टॉपिक इस फॉर फॉरमार सलेब एस पत्र इनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू छोटा सा न्यूज है कि सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पंजाब और हरियाणा की सरकार ने फैसला लिया है कि 100 मीटर का इको सेंसिटिव जोन रखेंगे अब ये न्यूज़ बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से बट मैंने फिर भी कवर किया है क्योंकि इको सेंसिटिव जोन पर सीधा सीधा मेन्स में सवाल पूछा जा सकता है इको सेंसिटिव जोन होता क्या देखिए किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले एरिया में सीधा सीधा तो उसके पेरीफेरी में आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो अलाउ करेंगे नहीं यहाँ तक मान लीजिए नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो यहाँ पे तो आप रेलवे लाइन नहीं बिछा देंगे ना यहाँ पे कोई माइनिंग ऑपरेशंस तो नहीं करेंगे ना थोड़ा तो आपको एरिया छोड़ना होगा एज सॉक एब्जॉर्बिंग एरिया तो वही सॉक एब्जॉर्बिंग एरिया छोड़ा जाता है इकोलॉजिकल फ्रजाइल एरिया आउटसाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क जिसको हम लोग कहते हैं इको सेंसिटिव जोन इको सेंसिटिव जोन मिनिमम 100 मीटर हो सकता है मैक्सिमम 10 किलोमीटर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक फर्जिलिटी इको सेंसिटिव जोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के अराउंड डिक्लेयर किया जाता है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इट इज नोटिफाइड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्मेंट्स तो ये टेन किलोमीटर वाला रूल है ये इन जनरल एब्सल्यूट नहीं है मिनिमम हंड्रेड मीटर हो सकता है मैक्सिमम टेन किलोमीटर हो सकता है और किस, किस, किस है? कुछ कुछ केसेस में या हंड्रेड टेन किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है इफ द सेंसिटिव कॉरिडोर आर वाइडर दैन दिस सवाल कुछ ऐसा आ सकता है वाट आर इको सेंसिटिव जोन्स डिस्कस डिफरेंट एक्टिविटीज दैट आर रिस्ट्रिक्टेड अराउंड इको सेंसिटिव जोन तो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया इकोलॉजिकली लॉजिकली एरिया होता है दस किलोमीटर तक का विथ होता है हंड्रेड से लेकर हंड्रेड मीटर से लेकर के दस किलोमीटर तक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत डिफाइन किया जाता है इसको बट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी बाद में ऐड किया गया एज़ पर वाइल्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ऑफ 2002 थाउजेंड टू 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 थाउजेंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बाद में ये एक्शन प्लान लाया गया और इस एक्शन प्लान के अंतर्गत इको सेंसिटिव जोन डिफाइन किया जाता है इको सेंसिटिव जोन में अलग अलग एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड हैं जैसे प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं कॉमर्शियल माइनिंग सौ मील इंडस्ट्रीज काजिंग पॉल्यूशन एंड ऑल रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं फेलिंग ऑफ ट्रीज़ इस्टैब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट सिटीज़ ये रेगुलेटेड है मतलब परमिटेड हैं ये तो प्रोहिबिटेड हैं ये तो अलाउड ही नहीं है ये परमिटेड हैं लेकिन आफ्टर अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन और कुछ परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं जैसे ऑन गोइंग एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिन्यबल एनर्जी सोर्सेज और उसके अलावा एक्टिविटी जो परमिटेड हैं ऑफ कोर्स वो है इन सी टू कंजर्वेशन यानी कि उस पर्टिकुलर जगह में जो भी फ्लोरा या फोना मिलते हैं उनका कंजर्वेशन फॉर एक्जाम्पल वन हॉन राइनो कंजर्वेशन इन नेशनल पार्क ऑफ आसाम इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है प्लीज टेम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टल इज अबाउट नज थ्यूरी फॉर मिलेट प्रमोशन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉरमर सिलेबस जीएस पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस पेपर फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए क्लासिकल थ्योरी क्या होती है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं अपने अपने क्लास में कि ऐसे फिजिकल डिफो फिजिकल डिफिसिट ये मॉनेटरी पॉलिसी ये वो ये सब क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं सोशलिस्ट मॉडल मार्केट मॉडल एस एस मॉडल ये सब क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स को बहुत बार देखा जाता है कि वो कॉपी बुक इकोनॉमिक्स रह जाती है रियल वर्ल्ड में बहुत बार वो एप्लीकेशन में काफ़ी ज्यादा पिछड़ जाता है एप्लीकेशन में जो वो प्रोजेक्ट करता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी उससे रियलिटी काफ़ी ज्यादा अलग होती है और इसलिए फिर इकोनॉमिक्स का एक नया ब्रांच शुरू हुआ वो है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या करता है इट स्टडीज द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ ह्यूमस एंड देन मेक सर्टेन सजेशंस फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करके इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग का सजेशन देता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड इट डेविएट्स इन मैनी केसेस फ्राम क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए ही रिचार्ड थैलर को जो यूएस के अकेडमिशियन है उनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में दो हजार सत्रह में अभी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन करने से एक थ्यूरी आती है इकोनॉमिक्स में इसको कहा जाता है नज थ्यूरी सो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इज अ वाइडर डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वैसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है और बिहेवियर इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी आती है नज थ्योरी नज थ्योरी सिंपली कहता है कि लोगों को आप डायरेक्टली मत बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है उनको धीरे 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 एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एक वांटेड डिजायरेबल बिहेवियरल पैटर्न उनकी गाइड कीजिए धीरे धीरे थ्रू कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स एंड पॉजिटिव री तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं बिहेवियर चेंज के अभी आपको समझ नहीं आएगा लेकिन आपको एग्जाम्पल मैं जैसे दूंगा समझ आएगा आपको जो बार बार मैसेज आता है कि आखिरी डेट जो है आप जब टैक्स जमा करने की ये है आखिरी डेट ऐसे है इसके बाद इतना फ़ाइन लगेगा ऐसे फ़ाइन लगेगा ये सब कुछ कहीं ना कहीं नज थ्योरी का एप्लीकेशन है कि आपके जो सोच है उसको धीरे धीरे डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है इन अ डिज़ायरेबल डायरेक्शन तो इकोनॉमिक सर्वे 2019 ने सजेस्ट किया था कि अगर हमें पाँच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का टारगेट पूरा करना है 2024-25 तक तो हमें इफेक्टिव एप्लीकेशन करना होगा नज थ्योरी का विच इज पार्ट ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स नज थ्योरी का एप्लीकेशन ऑलरेडी हो रहा है स्वच्छ भारत मिशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में या गिव इट अप स्कीम में इसमें आप देखोगे ये ऐसे स्कीम है जिसमें सीधा सीधा आपसे कुछ भी नहीं बोला जाता कि आप कीजिए जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या है सुकन्या स्मृति योजना है सुकन्या स्मृति योजना में सिंपल कहा गया है कि बेटी के नाम पे अकाउंट खोलेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा सो नेचुरली

फॉर इंक्रीजिंग टैक्स कंप्लायसेज फॉर रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट इन पुअर फैमिलीज इंक्रीजिंग सेविंग रेट ये सब में नज थ्यूरी का एप्लीकेशन किया जा सकता है मौजूदा जो आर्टिकल है यह कहता है बहुत अच्छा आर्टिकल है क्योंकि मिलेट पर सवाल आना तय है, है लगभग मिलेट का प्रमोशन कैसे किया जाए मुझे लगता है मिलेट पर सवाल प्रलिम्स में भी आया ही था तो मिलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है सब कुछ मिलेट पे सवाल आना ही है आसाम ने भी नेशनल आसाम मिलेट मिशन अडॉप्ट किया है तो मिलेट के कंजम्पशन को कैसे प्रमोट किया जाए तो मिलेट के कंजम्पशन को प्रमोट करने के लिए नज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स से एप्लीकेशन किया जा सकता है स्कूल कैंटीन्स वगैरह में मिलेट के प्रोडक्ट्स को डाले जा सकते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे जो फ्राइड आइटम्स हैं जो आप जो बाकी सारे आइटम्स हैं जो अनहेल्दी आइटम्स हैं जंक फूड हैं उनके जगह पे मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को रखा जा सकता है और बस रखना है मैंडेटरी नहीं कर सकते बिकॉज द मोमेंट यू मेक इट मैंडेटरी इट इज़ नॉट नज थ्योरी इट इज़ फोर्स थ्योरी इट इज़ कोऑर्सन थ्योरी तो ऐसा नहीं है कि आप मिलेट रखेंगे और बाकी आइटम्स हटा देंगे जो लोगों को खाने की इच्छा या अभी तक खाने की आदत है आपको मिलेट भी रखना है बाकी सभी रहने देना है धीरे 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 मिलेट को प्रमोट करना है सो दैट वुड बी नज थ्योरी इन द फील्ड ऑफ मिलेट प्रमोशन नज थ्योरी इकोनॉमिक्स में तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं सीधा सीधा सवाल आ सकता है नज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स में जो मैंने यहाँ पर दिया है उसको देखेंगे कि नर्स थ्यूरी कैन बी वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग एनी स्कीम इफेक्टिव दैट इज़ वन रीज़न बिहाइंड इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर स्वच्छ भारत मिशन उसमें डायरेक्ट फोर्स नहीं किया गया इनडायरेक्टली धीरे धीरे हमारे टेंडेंसीज़ को गाइड किया गया उसके अलावा नज़ थ्यूरी इज ऑल्सो हेल्पफुल और इन एथिक्स पेपर एथिक्स पेपर में जो सेकंड चैप्टर है हमारा एटीट्यूड उसमें हम यही तो पढ़ते हैं कि भारत सरकार के किसी भी स्कीम को किसी भी पॉलिसी को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है या सोसाइटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर लेकर के जाना है तो सोसाइटी का एटीट्यूड बदलना होगा एटीट्यूड बदलने के लिए हमें नज थ्योरी का हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। धीरे धीरे उनको कांस्टेंट रिमाइंडर दे करके उनको हम और उनके सामने अच्छी चीजें रख करके मैसेजेस दे करके उनका एटीट्यूड बदल सकते हैं और मिलट के लिए भी यही किया जा सकता है नज थ्योरी का जब भी एप्लीकेशन किया जाएगा तो बीच में थोड़े दिनों के लिए कॉग्निटिव डिजोनेंस आएगा जो हमने एटीट्यूड चैप्टर में पढ़ा है सेकंड चैप्टर में इनकसिटेंसी आएगी इन आवर थॉट एक्शन एंड बिहेवियर लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट काग्नेटिव डिजोनेस विल बी एड्रेस्ट एंड अगेन कंसिस्टेंसी विल कम एंड पीपल विल स्टार्ट एक पॉलिसी होती है फेरे की, जिसको हम लोग मार्केट मॉडल में देखते हैं लिबरल मॉडल में एक पॉलिसी होती है मैंडेट की जो सोशलिस्ट मॉडल में था जहां पर फोर्सफुल सरकार कहती है कि आपको यही करना है और नज पॉलिसी जो है दोनों के बीच का है वो हमें एक डिजारेबल डायरेक्शन में मोड़ता भी है एट द सेम टाइम it preserves आवर लिबर्टी टू चूज और वही हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है बाकी सारी चीजें जो मैंने यहाँ लिख करके दिए हिंट्स के तौर पे, ये वही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये आज का फॉर्डर कंटेंट है कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया और एक पॉपुलेशन बहुत होता है इंडिया का एक भी एक करोड़ हो जाएगा तो पहला दूसरा तो होगा नहीं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन स्टेटमेंट थ्री और विच आर द डिस्ट्रिक्ट परफॉर्म बेस्ट इट इज सेव सागर दैट्स ऑल फ्रॉम आर सर फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग